नमस्कार दोस्तों और मेरी YouTube फैमिली को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा की फिल्म राजा बाबू हर किसी का पसंदीदा बनी हुई है। इस फिल्म में हंसी, हाहाकार, रोमांस और नाटक भी अनगिनत विशेषताएं हैं। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने भी धमाकेदार कमाई की है। बॉलीवुड के मस्ती भरे अभिनेता गोविंदा ने 90s में अनगिनत सुपरहिट फिल्में दी हैं। उनमें से एक राजा बाबू भी है जो लगभग 30 साल पहले रिलीज हुई थी। इस फिल्म में गोविंदा और करिश्मा कपूर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। यह फिल्म आज भी दर्शकों का दिल जीतती है। फिल्म राजा बाबू उस दौर की शानदार कॉमेडी फिल्मों में से एक थी, जिसमें गोविंदा और करिश्मा कपूर के साथ कई अन्य बेहतरीन कलाकार भी नजर आए थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी कमाई की थी। इस फिल्म में गोविंदा और करिश्मा कपूर के अलावा अनुपम खेर, कादिर खान, शक्ति कपूर, अरुण ईरानी, गुलशन ग्रोवर और ओम पुरी जैसे विशेष अभिनेता भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आए थे। इन्होंने अपनी अदाकारी से फिल्म को और भी रंगीन बनाया था। फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें भी हैं, जैसे कि गोविंदा के कुछ डांस सीन्स और कॉमेडी टाइमिंग्स लोगों के बीच आज भी पसंदीदा हैं। इस फिल्म की दिलचस्पी वाली बात यह भी है कि इसका अनुभवी और विशेष टीम ने किस तरह से संपूर्ण फिल्म को हंसी और मनोरंजन से भरपूर बनाया था। 10 जनवरी 1994 को फिल्म राजा बाबू रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया था, वहीं इसका प्रोडक्शन यूनाइटेड मूवीज ने संभाला था। फिल्म में गोविंदा और करिश्मा कपूर के अलावा कादिर खान, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, प्रेम चोपड़ा, गुलशन ग्रोवर, समीर खाखर, यूनुस परवेज जैसे कलाकार नजर आए थे। ये फिल्म उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थी। डेविड धवन के निर्देशन में बनी फिल्म राजा बाबू बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी और इसका रोमांटिक अंदाज बड़ों को भी मनभावना लगा। इस फिल्म ने 1994 में रिलीज होते ही सिनेमाघरों में धूम मचाई थी। इसके बजट का अनुमान 2.50 करोड़ रुपये था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 15.20 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था। इस फिल्म की खासियत यह थी कि वह कॉमेडी, रोमांस, एक्शन और नाटक को बहुत बढ़िया तरीके से मिलाती थी, जिसके कारण दर्शकों ने इसे बहुत पसंद किया। डेविड धवन की यह नई दृष्टि और गोविंदा करिश्मा की जोड़ी भी इस फिल्म की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान था। फिल्म राजा बाबू में कहानी राजा बाबू गोविंदा के इर्द गिर्द ही घूमती है। वह अपनी माँ का लाडला होता है और बहुत ही लापरवाह रहता है। राजा बाबू के पिता गांव के सबसे अमीर जमींदार होते हैं और उन्हें अपने बेटे को लायक बनाने की ख्वाहिश होती है, लेकिन राजा बाबू का संवेदनशीलता से कोई लेना देना नहीं होता। फिल्म में उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह लड़की राजा बाबू के अनपढ़ होने के कारण शादी से इनकार कर देती है। इसके बाद राजा बाबू को अपनी गलतियों का आभास होता है और उसे अपने जीवन में सुधारने का निर्णय लेना पड़ता है। फिल्म की यह कहानी दर्शकों के बीच में काफ़ी पसंदीदा रही और गोविंदा की अदाकारी ने इसे और भी ज़्यादा रंगीन बनाया। आप उन्हीं घटनाओं को फिल्म राजा बाबू में देख सकते हैं, जहाँ राजा बाबू को पता चलता है कि वह अनाथ लड़का है और उसे उसके माँ बाबूजी ने पाला है। इस घटना के बाद उसे अपने जीवन में सुधार का निर्णय लेना पड़ता है। फिल्म में दिखाया गया है कि इस अनुभव ने उसकी सोच को परिवर्तित कर दिया और उसने अपने काम में स्वयं को समर्पित किया। यदि आप राजा बाबू फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप इसे Amazon Prime Video पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। यह फिल्म आपको गोविंदा की शानदार अदाकारी और मनोरंजन से भरपूर मोमेंट्स प्रदान करेगी। प्रमुख डायलॉग्स फिल्म में गोविंदा का समझता नहीं है यार और शक्ति कपूर का नंदू सबका बंधु डायलॉग बहुत प्रसिद्ध है। इन डायलॉग्स को गोविंदा ने भी सुझाव में दिया था फिल्म फेयर अवार्ड। शक्ति कपूर को इस फिल्म के लिए बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। उनका कैरेक्टर आज भी लोगों के बीच में यादगार है, सरकाइलो खटिया। फिल्म का हिंदी वर्जन सरकाइलो खटिया के रूप में कर्मा इंडी आर्ट्स ने बनाया था। 1994 में रिलीजें। इस साल गोविंदा और करिश्मा कपूर की 4 फिल्में रिलीज हुई थी।
राजा बाबू सुपरहिट हुई थी, जबकि दुलारा और खुद्दार भी हिट थी। प्रेम शक्ति फ्लॉप हुई थी। ये जानकारियां दर्शाती हैं कि राजा बाबू एक पॉपुलर फिल्म थी जिसने अपने कॉमेडी, विशेष अभिनय और डायलॉग्स के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की थी। जूही चावला का चयन, फिल्म राजा बाबू के लिए डेविड धवन ने पहली बार जूही चावला को चुना था। हालांकि उन्हें फिल्म की कहानी पसंद नहीं आई थी और उन्होंने इसे नहीं की थी। हिंदी रीमेक राजा बाबू एक तमिल फिल्म रसुकुट्टी 1992 का हिंदी रीमेक है। तमिल फिल्म रसुकुट्टी भी एक सुपरहिट थी और इसका हिंदी रीमेक राजा बाबू भी दर्शकों को पसंद आई और सुपरहिट हुई। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका दिन मंगलमय शुभ हो।